आज हम जा रहे हैं इसको धुलवाने की गाड़ी हो गई है बहुत गंदी, तो अब इसको जाएंगे देखते हैं कहाँ धुलती है ये गाड़ी और जहाँ पे धुल पाएगी वहाँ धुलवाएंगे इसको। क्योंकि घर पे मैंने सोचा एक बार घर पे धो लूँ, लेकिन अभी इसकी हालत ऐसी है कि घर पे धोने लायक रही नहीं है, इसको बाहर ही धुलवाना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि अब इसको बाहर ही धुलवाएंगे कहीं बढ़िया जगह पे। तो भाई आ चुके हैं यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे। तो भाई क्या इशू होता है ना, ये गाड़ियाँ ऊपर से तो साफ दिखती हैं लेकिन नीचे से गंदी होती है। तो इसी के लिए मैं एक ऐसे सर्विस स्टेशन पे आया था जहाँ पर ये ऊपर की जो धूल है ये भी निकल जाए और नीचे से भी साफ़ हो जाए। तो पहले ये लोग अपने ऐसे प्रेशर मारकर जो भी अंदर की धूल मिट्टी है उसको साफ़ कर देते हैं। तो ये प्रेशर वाली हवा मारते हैं जिससे कि जो मिट्टी मिट्टी होती है वो अपने आप ही सीट से या फिर जो पॉट्स होते हैं वहाँ से निकल कर, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ से अपने आप ही मिट्टी निकल कर बाहर गिर जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ये घर पे नहीं हो सकता, इसके लिए वैक्यूम चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा एक सर्विस स्टेशन पे जाते हैं। और यहाँ पर एक और फ़ायदा है, यहाँ पर इनके पास ऐसा है हाइड्रोलिक जैक है जिसके ऊपर गाड़ी को उठा दिया जाता है, जिससे गाड़ी की जो अंडर बॉडी है वो भी हम अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि घर पर ये सब नहीं हो सकता। तो इसी के लिए यहाँ पर ऐसे आप सर्विस स्टेशन या ऐसे ही वॉशिंग स्टेशन को पास जाएं जो गाड़ी को नीचे से भी साफ़ करें। तो जिनके पास ये हाइड्रोलिक वाले सिस्टम्स हैं ये तो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सिर्फ आपको गाड़ी को उसके ऊपर खड़ा करना होता है, इसके जो चारों प्रॉन्ग्स हैं इसको सही जगह पर अलाइन करना होता है, क्योंकि अगर सही जगह पर अलाइन नहीं हुआ तो यहाँ पर ये भाई इसको अगर अलाइन कर रहा है, अगर ये सही जगह पर अलाइन नहीं होंगे तो गाड़ी की अंडर बॉडी ख़राब हो सकती है। इसलिए इसको सही जगह पर अलाइन करेगा ये भाई और फिर उसके बाद ही ये गाड़ी को ऊपर उठाना चालू करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले गाड़ी को सही जगह पे खड़ी करते हैं, फिर एक एक प्रॉन्ग को मैनुअली एडजस्ट करके वहाँ पर लाया जाता है। आपकी गाड़ी में पहले से ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर जैक लगाया जा सकता है, तो वहीं पर ये मैनुअल जैक यहाँ पर लगाया जाता है, हाइड्रोलिक जैक। जैसे ही ये आदमी जैक लगाना काम ख़त्म कर देगा, अब उसके बाद ये जैक को हम ऑन करेंगे और देख सकते हैं आप कि गाड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाएगा। तो जैसे ही ये सारे प्रॉन्ग्स सही जगह पर सेट हो गए तो अब ये गाड़ी थोड़ी देर में ऊपर ऊपर उठाना चालू कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये गाड़ी ने ऊपर उठ जाएगी और इससे क्या होगा कि जो नीचे वाली बॉडी है गाड़ी की जहाँ पर चलते वक्त धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह ये सब लग जाता है तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा और उसको भी हम आसानी से प्रेशर वॉशर से साफ़ कर सकते हैं। तो ये काम घर पर नहीं हो सकता, इसीलिए अब देखिए व्हील आर्चेस में जो मैंने पहले ही अंडर बॉडी कोटिंग करा रखी है उसकी वजह से धूल जो मिट्टी होती है वो जमी हुई होती है, लेकिन एक बार प्रेशर पड़ते ही वो तुरंत साफ हो जाती है। तो आप अंडर बॉडी कोटिंग अपनी गाड़ी में ज़रूर करा लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऐसे ही प्रेशर वॉशिंग से ही सब कुछ साफ़ करते हैं ये लोग, और ये इनके यहाँ गाड़ियाँ आती रहती हैं अलग अलग तरीके की। तो क्योंकि प्रेशर वॉशिंग भी एक आर्ट है, वो अगर आपको सही से नहीं आता तो आप कभी इसका गाड़ी का रेडिएटर ख़राब कर दोगे कभी कुछ। तो ऐसी जगह पे करवाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप व्हील आर्चेस वगैरह सब अंडर बॉडी वगैरह सब कुछ साफ़ होता है बढ़िया से, और कोई भी धूल वगैरह जो होती है मिट्टी जमी हुई वो सारी छुड़ा देते हैं, क्योंकि इनका जो प्रेशर होता है बहुत तेज़ होता है। इनकी मशीनें भी होती हैं, प्रोफेशनल मशीनें होती हैं, इसीलिए प्रोफेशनल जगह पर जाओगे तो प्रोफेशनल काम मिलेगा आपको। तो ये इस तरीके से जो टाटा पंच के जो बैक आर्चेस हैं इसमें मड फ्लैप के पास में ये जगह दे रखी है जहाँ पर मिट्टी काफ़ी भरती है, तो ये इसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है घर पे। तो ये आप देख सकते हो कैसे कैसी बढ़िया से साफ़ हो रही है नीचे से। और फिर ये लोग शैम्पू वगैरह लगाते हैं, इन्होंने मेरे से पूछा था 3M शैम्पू लगाना है क्या फ़ोम वाला, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार शैम्पू वगैरह से कार शैम्पू जो होता है नॉर्मल उससे साफ़ कर देना। तो ये लोग वही साफ़ कर रहे हैं और ये ऐसे करके फिर उसको एक बार फिर से धोएंगे और उसके बाद गाड़ी आपकी बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ इस पर मारनी रहेगी पॉलिश, जो पॉलिश बाद में गाड़ी धुलने के बाद ही जब एक बार पानी सूख जाता है उसके बाद ही वो गाड़ी धुलती है, उसके बाद ही ये पॉलिश वॉलिश लगती है। तो पहले ये गाड़ी धुल जाती है, इसको हम चारों तरफ से जो भी इसकी अंडर बॉडी क्लैडिंग है जो टाटा पंच की वो साफ़ करी जाएगी। उसके बाद आता है नंबर पॉलिश का। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये भाई अंदर से पॉलिश कर रहा है, क्योंकि अंदर काफ़ी भीड़ हो गई थी इसलिए इसने गाड़ी को बाहर लगा दिया। तो यहाँ पर ये सब व्हील आर्चेस व्हील कैप्स वगैरह सब कुछ पॉलिश होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी एक नई शाइनिंग जैसी बनी रहती है और गाड़ी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है जो वो नीचे चिपकी रहती है गाड़ी के, और उसमें उसकी वजह से गाड़ी में जंग भी लग जाता है कभी कभी। तो इसीलिए अपनी गाड़ी को जितना ज़्यादा हो सके उतना साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी और देखने में भी गाड़ी अच्छी लगेगी।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, अंदर से भी और बाहर से भी एकदम चकाचक। हाँ भाई, ये गाड़ी साफ हो चुकी है, देखो कितनी सही क्लीन हो रखी है। और अंदर पॉलिश वॉलिश मैंने मरवाई नहीं, आप भी मत मरवाया करो, क्योंकि ना नई गाड़ी में ये सब करवाने से क्या होता है कि जल्दी उसकी एजिंग होने लगती है। तो अंदर मत पॉलिश करवाया करो, अंदर खुद ही कर लिया करो, बाहर की तरफ करवा लिया करो। तो ये गाड़ी क्लीन हो चुकी है बिल्कुल एकदम मस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।